स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो फंगस है, फंजाई है, उन फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डिस्कवरी, उनके सामान्य लक्षण, उनकी खोज देखी थी और उसका जो कवक जाल होता है उस कवक जाल के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह की कुछ कवक जो है किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, क्या होता है कलर कवक में, और हमने इनकी खोज के बारे में, ये माइकेली ने इसकी खोज की, माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं, कवक विज्ञान के अंदर हम कवक का अध्ययन करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि कवक कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो मोस्टली जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तभी मैंने आपको ये बताया था कि कवक कोशिका जो है वो किस तरह की कोशिका है, यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका है। और यूकैरियोटिक का मतलब, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड या एडवांस्ड, ठीक है, पूर्ण विकसित। वेल डेवलप का मतलब पूर्ण विकसित, और कैरियोन, कैरियोन का मीन्स होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसी सेल जिनमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि हम लास्ट वीडियोस में हमने बैक्टीरिया में देखा था कि वहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, तो हमने उसे किसमें रखा था, प्रोकैरियोटिक सेल में रखा था। तो यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल की जब बात करें तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी सेल की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। मोस्टली प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल देखी थी, कोशिका भित्ति देखी थी, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरिन की बनी होती है। जबकि यहाँ पर हम कोशिका भित्ति देखें, एक जनरल सेल की स्ट्रक्चर ले रहे हैं, उस सेल की स्ट्रक्चर में ये बनाई है मैंने इसकी कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जो है इसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की सेल वॉल कोशिका भित्ति, ठीक है। तो काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन उमाइले कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने तुम्हें बताया था उमाइकोटा के जो सदस्य होते हैं उनमें किस तरह की होती है, उनमें सेलुलोज की बनी हुई होती है। मोस्टली जो फंगस सेल है उनमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकेंड आता है इसमें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एज ए यूकैरियोटिक सेल की जैसे ही इसकी प्रोटीन और लिपिड की बनी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जिसको हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तीसरा है इसके अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य, ठीक है। सेल के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इसके अलावा जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो संचित कोशिक पदार्थ है, वो भी कहाँ पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। कोशिकांग के बाद आता है केंद्रक, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। इस फॉर्म में गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। केंद्रिका इसके अंदर या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और सुविकसित केंद्रक प्रेजेंट है तो कोशिका जो केंद्रक झिल्ली है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम अगर बात करते हैं इसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं? एटीएस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, एटीएस प्रकार के राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जबकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यांत्रिक पदवी जालिका पाई जाती है इसके अंदर। इसके अलावा लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, अंतः प्रदवी जालिका, डिक्टियोसोम और बहुत सारे वेसिकल यानी और वृत्तिकाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है? एक जनरल स्ट्रक्चर है सेल की कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या क्या। लेकिन हाँ, ये चीज जो प्रेजेंट है इसके साथ ही इसमें क्लोरोफिल जो है, हरित लवक जो है वो अनुपस्थित होता है। इसीलिए हम कवक को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो यहाँ हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर पढ़ी। सबसे पहले कोशिका भित्ति जो कि काइटिन की बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में संचित पोज पदार्थ पाया जाता है जो ग्लाइकोजन तेल के रूप में होता है, ग्लाइकोजन वसा व तेलों के रूप में संचित भोज्य पदार्थ होता है। रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोज्य पदार्थ इसमें पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले बात कर ले हम अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कोशिका का स्केलेटन बनाती है, कंकाल बनाती है। सेकेंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल को एनर्जी देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है, इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो काम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने वाले ये राइबोसोम जो है, ये एटीएस टाइप के राइबोसोम होते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में क्या है? डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लाइसोसोम, वृत्तिकाएं, डिक्टियोसोम, वेसिकल्स आदि आशय जिसको हम कहते हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इस कोशिका द्रव्य में संचित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है? ग्लाइकोजन होता है रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, इसमें फैट होती है, वसा होती है और तेल होते हैं, ऑयल, जो इनके भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। तो ये है एक जनरल फंगल सेल की स्ट्रक्चर। शॉर्ट नोट में आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल, कवक कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से उसको समझाना है कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका और केंद्रक के बारे में और संचित भोज्य पदार्थ के बारे में। तो यहाँ ये सेल कंप्लीट होती है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि कवक में जब ये हेटरोट्रॉफिक नेचर में है कि किस ये दूसरों से पोषण प्राप्त करती है, तो किस तरह ये दूसरों से पोषण प्राप्त करती है, इनके अलग अलग मेथड्स हैं, हम उन अलग मेथड्स को समझेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।